नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हैं अपना आशियाना के बिल्कुल ठीक सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। और यहां पर आपको बता दें कि दो दिन पहले जो है हमने एक कवरेज की थी जिसके अंदर ITI चौक पर एक जो आपको बता दें एक लड़का जो है किस तरीके से दैनिक ज़िंदगी जी रहा था और अब जो उसका परिवार है वो मिल चुका है, लेकिन आपके मात्र शेर भर से जो उसका परिवार मिल चुका है और अब ऐसे में जो उसका परिवार है वो मौके पर जो है पहुंचता ही होगा, क्योंकि यहां पर जो है आपको बता दें कि राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो आपको बता दें अपना शियाने से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर आपने देखा कि कितने लोग जो हैं यहां पर इस तरीके से कवरेज के बाद जो है उनके परिवार वाले मिल जाते हैं और बड़ा ही यहां पर जो है एक जो परिवार है उसके लिए, क्योंकि पता चल रहा था जो परिवार में उनके जो पिता हैं वो आ रहे हैं और शायद उनके जो भाई हैं वो आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि तस्वीरों में फिलहाल सामने की तरफ हमें आते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ पर उनका परिवार है वो यहाँ पर उनको लेकर आ रहे हैं। और वाकई में जो है काफ़ी ज़्यादा ये भावुक होने वाला है, क्योंकि ऐसे में जो पता चला है कि लगभग एक साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि उनका जो बेटा था वो जो था गायब था, लेकिन कहाँ का रहने वाला है पूरी जानकारी जो है परिवार से लेने का प्रयास जो है ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लोगों के शेर भर से ये सबसे ज़्यादा जो है ये मुमकिन हो पाया कि जो यहाँ पर परिवार है वो पहुँच गया अपना आशियाना में और यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है एक बार राजकुमार जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, परिवार उनका मिल गया है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहते हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ऐसा है आप जी के माध्यम से सोशल मीडिया, मैंने पहले ही कई बार बहुत बार आपके माध्यम से कहा है कि सोशल मीडिया जो है हमारे इस समाज का आधार स्तंभ बन चुका है अगर उसका सही उपयोग किया जाए, और सही उपयोग आपके माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा है। ये बिछड़े हुए परिवार जो बरसों से बिछड़े हुए परिवार हैं जब वो मिलते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो उनकी आंखों से आंसू जर्जर बहते हैं। जैसे ही आपकी वीडियो आपने दिखाया वो ITI चौक के नीचे एक मलमूत्र में भरा हुआ आदमी, और आपके माध्यम से जो लोग जागरूक हो रहे हैं उस जागरूकता के कारण से लोगों को पता लगता है कि कोई भी ऐसा मंदबुद्धि लाचार अगर कहीं पड़ा हुआ है तो आपके माध्यम से अपना शियाना के माध्यम से वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे को पता लगा तो उसके बाद हम भी पहुँचे वहाँ पर आपकी वीडियो जो थी। देखो मैं तो ये देखता हूँ कि परमात्मा आपको हमारे आकर्षण भैया को आपको इतना सामर्थ्य दे, इतना शक्ति दे कि आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करते रहो। आपने धार्मिक कार्य, ये धार्मिक कार्य से बढ़कर धार्मिक कार्य आप करते हो। आपके फॉलोअर्स दिन दुगनी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर पे उन्होंने वो वीडियो देखी, तो वीडियो देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये हमारा बच्चा है तो वो वहीं पर ही आंसू बहाने लग गए। तो दूसरे फ़ोन से उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि जो ये वीडियो चल रही है ये हमारा बच्चा है, हम इतने परेशान हैं, हम काफ़ी, और इसी उसके गम के अंदर ही इसकी माँ भी जो है वो प्रभु को प्यारी हो चुकी है। तो यानी कहने से अभिप्राय ये है कि वो बच्चा जो था वो तो मंदबुद्धि है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रहा। तो ये बिना बोली और बिना झोली के संत होते हैं, ये इतनी दुआएं देते हैं कि इनकी दुआएं परमात्मा तक पहुंच जाती हैं। तो वहां से ये चलकर फिर अब दो दिन हो गए इनको चलते हुए गोरखपुर से आगे सिद्धार्थ नगर एक जिला है वहाँ से ये रहने वाले थे। तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया, उस वीडियो को अपने सारे परिवारों में भेजा, कहते हैं कि ये देखो ये होती है सेवा, मानवता की सेवा, जो मीडिया के माध्यम से ये मीडिया का सही उपयोग करते हैं। तो इन्होंने थाना अध्यक्ष को भी दिखाया। तो उसके बाद ये फिर वहाँ से दो दिन हो गए चलते हुए, रात को ये देर रात्रि पहुँचे थे, हमने इनको अपने घर में सुलाया था, वहाँ पर इनको बिस्तर वगैरह देकर, इनको रोटी वगैरह गर्म देकर सारा इनको सुलाने का किया। तो अब ये बिल्कुल यहाँ पर, अब हमारे अंशुल ग्रोवर जी हैं, अनुमदान जी हैं, और हमारे साथ इस सेवा कार्य के अंदर दीपक सचदेवा भैया हैं, हमारे चरणजीत बाली जी हैं जो इस सेवा कार्य को बखूबी निभाते रहते हैं। तो मैं अपने प्रधान जी का, जो हमारे प्रधान हैं श्री चरणजीत बाली जी, दीपक सचदेवा, अंशुल भैया, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी मानवता की सेवा का ये कार्य उठाया। हमारे जगमेर पाल जी हैं जो अच्छे भाव से यहाँ सेवा करते हैं, और ये परिवार अब आपके सम्मुख है। अभी बच्चे को हम अंदर से अभी तो लेकर अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, तो आप एकदम आए हो, अच्छी बात है, और जिससे कि मैं लोगों से एक बारंबार यही अपील करता हूँ कि आप धर्म कर्म के इतने पवित्र कार्य करते हैं, तो उस धर्म कर्म के पवित्र कार्यों में एक कार्य ये भी है कि बिछड़े परिवारों को मिलवाने का कार्य, और वो तभी हो पाएगा आप आगे शेयर करोगे, शेयर से आगे फॉलोअर्स व्यूअर्स बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ने से ये हमारा जो सोशल मीडिया है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज़्यादा आगे बढ़ के काम करता है ये। और यहाँ आपने देख लिया उनके परिवार से जो उनके भाई हैं वो आए हुए हैं, उनके जो पिता हैं वो आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं? जनपद सिद्धार्थ नगर, तहसील बांसी, थाना गल्हौरा,
ग्राम जमलाजुत। जी 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 ग्राम जमलाजुत और मेरा नाम बलिराम पांडे है। जी 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 समझो बेटा जो है कब से जो गायब था? बहुत साल भर हो गए मुझे। साल भर हो चुका है। हाँ, मुझे, मुझे। तो अब बेटे से मिलने वाले हैं आज? हाँ, कैसा लग रहा है? अब आज मिलना है, हम परेशान है कि कब मिल जाए हमें बच्चा। हाँ, तो ये कैसे गायब हो गया है, मतलब घर से कैसे कहाँ चला गया ये? मोहल्ला में दो चार लोग उसके पीछे पड़ गए लड़का के हमरे। हम चला गए एक गांव अजगरा है, वहाँ गए थोड़ा सा पूजा ही, हम ब्राह्मण हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ ये लड़के सरप्राइज हमने कहने बड़कू चलो दिल्ली चल जाई कमाए, तो तुह पैसा कमाए लेबो, तो इनके नाई मूड में आई ये कहने ठीक भाई, तो हम तो अपन वही वर है ये अपन चुप्पे है वहाँ चल दिए। तो आए उसकी महताई जो लड़कवा बताए रहा कि हम चलबे, तो वकर महतेरिया कह जिसकी है बड़कू आई गई ना तो भाग जाओ नहीं अब बड़कू हो जाई हैं। तो बड़कू जाए मतलब हुए कि बड़कू के छोड़ दें, तो बड़कू वहाँ से निराश हो के आए जिगनिहवा एक वो हुए चौराहा, वहाँ पर रामू का बस मिला, रामू के बस पर बैठ गई नहीं और आए कहाँ सुनल जाए फिर नहीं आए हरैया। हरैया बोलता है हरैया में उसको ये लिए रहे मोबियाल, वो मोबियाल उसने छीन लिए उसी पर फिर में लाकर उतार दिए। अब वहीं से नाई हम बहुत दो तीन बार आए कहाँ दिल्ली में आए लेकिन मिला नहीं लड़का। अभी फिर यह दो चार उसके बाद फिर अवैया रहे लेकिन बाबू के वीडियो कॉल पहुँचा हम तुरंत पहुँच गए, 24 घंटा में हम लोग आए हैं समझ गए, 24 घंटा भी थे। तीसरा दिन आज या उनके जो भाई हैं उनसे बात करने का आप थोड़ा जानकारी दीजिए। जी जी लगत है उनका। जी जी तो क्या कहना चाहेंगे आज भैया? आप मीडिया वालों को धन्यवाद है कि जो हमारा भाई बाप सबको उससे सहयोग बस जो मिल गया, हम ये तबीयत इतना खुश है कि हमारा बच्चा हमारे पास मिल गया, ये आप सबको भाइयों को हम धन्यवाद दे रहे हैं। वो बहन हमारी भी खड़ी है, ये भी बहुत सेवा में लगकर हमारे बच्चों को हमारे परिवार को हमारे साथ में दिए, जो मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देने चाह रहा हूँ। नहीं यहाँ पर आपको बता दें अपना शियाना है ये, काफ़ी लोगों की जो है यहाँ पर मदद करता है, चार चार साल से लोग यहाँ रह रहे हैं लेकिन अगर परिवार नहीं मिलता तो वो यहीं रहते हैं और जब बताने में समर्थ हो जाता है फिर वो यहाँ पर से चला जाता है। और ऐसे में जो है धन्यवाद सबसे ज़्यादा हम अपना शियाना को देना चाहेंगे। हमारे साथ अनु मैडम है यहाँ पर, जो उनका बेटा है वो जो है यहाँ आने वाला है और तस्वीरों में हम पहले अनु मैम से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये देख लीजिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है भावुक जो है यहाँ पर देख लीजिए। ये इस तरीके से आप लोगों के शेर भर से आपने जान लिया कि कैसे आपके शेर भर से ये देख लीजिए परिवार जो है यहाँ पर मिल रहा है, देख लीजिए आंसू हैं, आंसू भी आ गए और ये देखिए जो है यहाँ पर समझदार भी है कितना, और वाकई में जो है काफ़ी ज़्यादा भावुक है यहाँ पर परिवार जो आया हुआ है और साल भर हो चुका था गायब हुए हुए, काफ़ी ज़्यादा और खुशी आपको बता दें हमें भी बहुत होती है जब कोई परिवार जो है एक दूसरे के साथ मिल जाता है सोशल मीडिया के टाइम के अंदर। वाकई में जो है ये एक अद्भुत सी ऐसी चीज़ है जिसे जो है हम और आप लफ्ज़ों में नहीं बता सकते, और ऐसे में आप देख सकते परिवार जो है मिल गया है और काफ़ी ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आपने देखा है काफ़ी भाई साहब हम तो जो देखे हैं बहुत बहुत ठीक बहुत धन्यवाद है कि जो कि हमारे बच्चे हमारे साथ में मिल गया। मुझे तो अब खुशी हो गया कि मीडिया हमारी बहन हमारे भैया बहुत सारे जिसकी ये ऊपर वाले ने इतनी बड़ी बनाया कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ आप सबके पास पहुँच गया, कि मैं ये चाहूँगा कि आप सबके ही ऊपर वाले की शुक्रिया रहे जो बच्चा है कि हम अपना वीडियो से आप हर वक्त भेजेंगे कि भैया जिसका बच्चा है आप फला जगह चले जाइए, बच्चा आपका है तो ले आइए। बस यही धन्यवाद मैं मीडिया वाले का करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देख लिया पिताजी काफ़ी भावुक हैं, जो भाई हैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं, और ये जो आपके मात्र शेर भर से जो है आज अपने घर वापस जो है चला जाएगा, और यहाँ पर जो अनु मैम है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या कहेंगे जब इस तरीके से मेहनत आप करते हैं और जो सफल भी होती है, क्या कहना चाहेंगे? सबको जय सिया राम। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सजदे हो और ज़ुबान पर खुदा का नाम आए, हमारी ज़िंदगी खुद एक इबादत है बेशर्ते वो किसी के काम आए। कहते हैं ज़िंदगी में अपने लिए खुशी मांगना तो बहुत बड़ी बात है, किसी और के लिए खुशी मांग कर देखो तो कोई बात बने।
अपने लिए जीना तो बहुत बड़ी बात है, किसी और के लिए जी के देखो तो कोई बात बने। अब आप देख रहे हैं कितनी हंसी है इसके मुख पर, कैसे वो बातचीत कर रहा है अपने माता पिता के साथ और कितना ही खुश हो रहा है। जब इसे हमने उठाया था कितनी दुर्गंध थी, कितनी बुरी हालत में था ये बच्चा, और ये रो रहा था, मम्मी मर गई मम्मी मर गई ऐसे कह रहा था। आज देखो दो परिवार में से एक बेटा अपने घर में जा रहा है। वाकई में ही आप लोगों को सलाम है, पूरे मीडिया को और जिन्होंने ये व्यूवर्स को सलाम है जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करा। हम ये चाहेंगे कि अभी भी इसी वीडियो को शेयर किया जाए और करुणा में पुकार हमारी हर समय यही रहती है। कहीं पर भी आपको लाचार मंद बुद्धि अक्षम बुद्धि के कोई भी ऐसे प्राणी मिलते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे हमारी लाइन हर समय उपलब्ध रहती है। आई डोनेशन की सेवा हो, बॉडी डोनेशन की सेवा हो और कहीं पर भी लाचार मंद बुद्धि मिले तो उनके लिए हर समय अपना आशियाना जन सेवा दल हर समय तत्पर रहता है, तैयार रहता है। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहते हैं। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो इंतजार है उस शाम का जिस दिन हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। तो ये काम आने वाला जीवन जो है यही है, अब तो समर्पण है, समर्पित है। भगवान जी ऐसे ही हम सबको हिम्मत दिए रखे और ये सेवा चलती रहे। और आप सबको भी आशीर्वाद है, साधुवाद है बहुत बहुत कि आप भी इस तरह से इन सब लोगों की सेवा करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं। ये देखिए ये बच्चा था, ये एक गुम था जैसे, और आज अपने परिवार से मिल गया है। ये उनके पिताजी भी हैं, साथ में उनके भाई भी खड़े हैं। प्रभु जी हम इन सबको भी, और अंशुल भैया हमारे साथ जो कि मानवता की सेवा करते हैं हर समय, हमारे चरणजीत बाली जी, दीपक सचदेवा जी, ये सब इस मानवता की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। भगवान आप सबको और इस आश्रमवासियों को भी ऐसे ही लंबी आयु दे और स्वास्थ्य भरा जीवन दे। और आप लोगों के शेयर करने मात्र से ना जाने कौन कौन से परिवार पहले भी मिल चुके हैं और भविष्य में भी कामना करते हैं कि परिवार मिलते रहें, ऐसे ही सबकी झोलियां भरती रहें, सब बच्चे अपने घरों में सुख शांति पूर्वक रहें। धन्यवाद, जय सियाराम। यहां पर जो आपको बता दें अंशुल ग्रोवर जी हमारे साथ में, वो भी यहां पर जो है सेवा से पूरा जो है इस तरीके से जो है अपना शियाना में वो भी कई सालों से लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, परिवार आज मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवादी हूँ IBN 24 चैनल्स का, आकर्षण भैया का, दर्पण जी का और इनका परिवार का धन्यवाद जो अपने बेटे को मिलने के लिए बड़ी दूर से आए हैं। वो सब आपकी ही कृपा है IBN 24 चैनल्स की। मैं यही कहूँगा अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भी कहीं भी पड़ा हो, हमारे टोल फ्री नंबर 9416110073 पर संपर्क करें और किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे वो नेत्रदान हो चाहे वो देहदान हो, पूरे हरियाणा के अंदर अगर कहीं भी देहदान होता है वो 9416110073 पर करिए। ब्लड डोनेट होता है, आई डोनेशन होती है, किसी प्रकार की भी कोई भी सेवा हो वो हमारे अपना शियाना को दे दिए जाए। और अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का संस्कार पिछले 40 वर्षों से हम करे आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे प्रभु की आप जी की कृपा से। और मैं धन्यवादी हूँ आकर्षण भैया का और सभी परिवार वाले का, वो अपने बेटे को बड़ी दूर से लेने आए हैं। और यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे जो है सभी यहाँ पर जो है सेवा भाव से काम करते हैं और अपना शियाना में आपको बता दें जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए फिलहाल तस्वीरों में कि यहाँ पर जो परिवार आया हुआ है और यहाँ पर ऐसे अनेकों परिवार जो है यहाँ पर आते हैं अपने जो है यहाँ पर जब उनके परिवार का पता चलता है आपको मात्र शेर भर से और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो वायरल हो जाती है और फिर परिवार जब मिलता है आपको बता दें कि अपना आश्रम जो आशियाना का जो आश्रम है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है सभी जो आपको बता दें सुबह नहाने धोने के बाद छत पर जो है धूप का आनंद लेते हैं सभी लोग और यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और अगर जो है उनका परिवार जब तक नहीं मिलता तब तक वो यहीं पर रहता, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बता दें कि जैसे ही जो है ये न्यूज़ जो है वायरल हुई और साथ के साथ जो है परिवार का फ़ोन आया और ऐसे में परिवार का फ़ोन आते ही जो है हमें इन्होंने संपर्क किया और जो है फिर हमने चाहा कि आपको जो है ज़रूर दिखाएं कि कैसे जो परिवार है जब उनके जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं तो जो उनकी भावना है वो किस तरीके से जो है निकलती है। और यहाँ पर जो है काफ़ी सराहनीय कार्य है और हमेशा से जो है हम भी जो है सैल्यूट ज़रूर करते हैं अपना शियाना वालों को कि इस तरीके की जो मुहिम है जो उन्होंने छेड़ी हुई है, इस तरह की मुहिम आज के समय में जब हम चलाते हैं तो वाकई में ये मंदिर मस्जिद जाने से ज़्यादा बड़ा काम है ये। तो सर क्या कहना चाहेंगे परिवार?
परिवार मिल गया है कुछ? बहुत खुशी हुई है, जैसे उनके भावुकता के पल जो थे ये देखना अपने आप में एक बहुत भारी होता है। हमारा अपना दिल अंदर से आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक खुशी होती है कि ये एक बिछड़ा हुआ बेटा एक माँ का लाल है। देखो अब उसने बताया कि उसकी माँ भी इसमें उसमें चले गई, पिताजी हैं वो भी देखो, और ब्राह्मण परिवार से हैं, पंडित परिवार से हैं, और आंखों से आंसू, एक बुज़ुर्ग का सहारा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ज़रूरी नहीं कि जो अमीर होते हैं उन्हीं का ही प्यार होता है, प्यार होता है गरीबों के अंदर ये चाहे, लेकिन गरीब परिवार है चाहे मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो भी परिवार होता है बच्चे तो सबको प्रिय होते हैं। और मैं पुनः आप लोगों का, आकर्षण भैया का, दर्पण भैया का, भाई साहब का, सबका धन्यवाद करता हूँ जिनके माध्यम से इतना सेवा का कार्य होता है। और बारम्बार ये अपील करता हूँ, अगर धर्म कर्म का और भी पवित्र कार्य करना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने परिवारजन के साथ मिलकर इसको फॉलोअर्स को बढ़ाओ, जिससे कि लोग हमारे इस जो सोशल मीडिया का एक स्तंभ है ये और स्ट्रॉन्ग हो सके और समाज के भलाई के कार्य कर सके। धन्यवाद, जय सियाराम। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि फ़िलहाल तस्वीरों में जो यहाँ पर परिवार है वो आया हुआ है, और कुछ ही जो है लम्हों के बाद जो है परिवार यहाँ से अपने जो बेटे को जो है ले जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार जो है वो बैठा हुआ है। और फ़िलहाल बाबू बोल दिया कहीं घरे जाता हो, कैसा लग रहा है? मैंने बोल दो राधे। और यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि वाकई में ज़्यादा भावुक है, और लेकिन आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितना हो सके इस खबर को भी शेयर करें, लोगों तक ये बात पता चलनी चाहिए कि इसको ये देख लीजिए, जिस दिन हमें ये जानकारी मिली और आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर युवक खड़ा हुआ है जो दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल थे, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नहला धुला कर बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पर रखा जाता है। और ये इसकी पहले वाली फ़ोटो थी, जिस दिन आपको बता दें कि सर जानना चाहेंगे जो क्या नाम क्या था, हम नाम जानना चाहेंगे जब यहाँ महेश पांडे नाम महेश पांडे है। हाँ जी हाँ जी, महेश पांडे, महेश पांडे, गांव जमला जोत, गांव जमला जोत, हाँ, थाना गलौरा, थाना गलौरा, हाँ जी, ये यूपी में आता है। हाँ जी हाँ जी, यूपी सिद्धार्थ नगर, जिला सिद्धार्थ नगर। तो आपने देखा कि महेश जो है यहाँ पर नाम बताया गया, क्योंकि नाम हमें पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है अब परिवार खुश है और अब अपने घर जो है साथ में उसे ले जाएंगे। और यहाँ पर फिलहाल जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाल पहले क्या था, लेकिन यहाँ फिलहाल जो है यहाँ पर क्या बातचीत की है कुछ इसने बातचीत में अभी नहीं बता पाया है। और आपने 14 सेक्टर में जो कवरिंग करी थी, और मैं यही कहूँगा कि देखिए अब पहले इसका क्या हाल था और अभी इसको हमने नहला धुला के साफ़ सुथरा किया हुआ है, और यह जो स्वेटर भी पहनाते हैं, जो हम कपड़े पहनाते हैं उसके ऊपर लोगो लगा होता है हमारे अपना आशियाना का, जिससे कि ये यहाँ पर ही सुरक्षित रहें और ये कहीं जा ना सकें। अगर कहीं जाते भी हैं तो अगर ऐसा स्वेटर या ऐसा लोगो देखो तो आप अपना आशियाना के, कई बार ये होते हैं हम इनको चेकिंग के लिए, कई बार इनको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाते हैं, तो कई बार ये हमारे से हाइपर होके भाग जाते हैं। तो फिर अगर भाग जाएं तो अगर आपको ऐसे ही कोई वर्दी वाला, अगर यूनिफॉर्म वाला अगर कोई बच्चा मिलता है तो उसके ऊपर हमारा लोगो लगा होता है, आप हमारे से संपर्क करें, हम इनको फिर पुनः सुरक्षित कर लेते हैं। तो आपके माध्यम से फिर इस बच्चे के लिए, इस भाई के लिए भी अपील करता हूँ। ये वैसे अपना नाम क्या बता रहा है, नाम क्या है आपका? संचय कुमार, संचय कुमार। ये अब अपना नाम देखो, कभी कभी बता देता है, कभी कभी ये चुप साइलेंट हो जाता है, लेकिन अब आपके सम्मुख ही बोल रहा है, आप अब इससे पूछ सकते हो क्या नाम बताया। संचय कुमार है, संचय कुमार, संचय कुमार। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से हो? मैं तो यूपी का हूँ। यूपी से हो? हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ कैसे आए करनाल? हम काम की तलाश में आया था, और इधर आया था काम की तलाश में, तो इधर ये है ना, इधर आया था तो यहाँ से मैंने लेकर आया, बोले कि चलो उधर है अनाथ आश्रम की क्या, ऐसे ही बोले। तो आप कौन से जिले के हो? देवरिया जिला का। देवरिया जिला, देवरिया। थाना कौन सा लगता है? थाना भटनी पड़ता है, भटनी पड़ता है। चलो अब मैं इसका प्रयास करूंगा जी, जैसे इसने अब आप देखो आपके माध्यम भगवान जी पता नहीं कैसे दयाल हो, उस दिन बात नहीं कर पाया, उस दिन तो आपके सम्मुख ही था, आपने कई बार पूछा, जितनी बार हमने पूछा कि एक्चुअली क्या होता है, आप अगर इसको इस कंडीशन में जब आप देखते हो, देखिए ये मैंने अब आपको दिखाया, ये इस कंडीशन में है, और इस कंडीशन में बाल भी गुथे हुए थे, बीच में जुएं चल रही थी, आधे तो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, और कुछ भूख प्यास से और ठंड से कांप रहे हो, आपने देखा था उस दिन इसके पाँव में चप्पल वगैरह भी नहीं था, और हम इसको चप्पलें इसलिए देते, कई बार ये रबड़ खा जाते हैं,
तो हम इसलिए यहाँ पर भी इनको अवॉइड करते हैं। बाकी इनको हर गर्म कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन अब ये है कि जैसे इसको भरपेट भोजन मिला, हमने इसको साइकेट्रिक की हेल्प से इसको दवाई दी है, अब इसका मन शांत है, अब ये रो भी नहीं रहा। उस दिन तो बिना मतलब आप कुछ भी पूछते थे, मैं भी पूछता था, हमारे साथ जो भी सेवादार साथी थे जब वो पूछते तो ये रोने ही लग जाता था। तो आज ये कम से कम शांत खड़ा हुआ है, तो ये इसके अंदर मेडिसिन जो डॉक्टर ने हमारे को बताई थी वो हमने दी हैं और आज इसने अपना पता बताया है। तो भगवान ने चाहा तो मैं इसका भी अब प्रयास करूँगा, और अगर प्रयास से अगर ये सफल हो जाता है हमारा प्रयास कि इसके हम घर तक पहुँच जाते हैं, तो आपके माध्यम से फिर इसको इसके घर तक पहुँचाने की हम भरपूर प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जितना हो सके इस खबर को शेयर करें, ये भी जो है अपने भाई जैसा, और ये भी अपने घर पहुँचना चाहिए। और क्या नाम बताया था अभी? संचय कुमार। तो संचय कुमार जो है उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति हो इस खबर को देख रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है अपने परिवार तक जो है वापस जो है वो पहुंच जाए। और आपके मातृशेर भर से जो है आज परिवार, एक परिवार जो है अपने जो है बच्चे को साथ में लेके जा रहा है, और ये भी अपने परिवार तक पहुँचने चाहिए, चाहे किन्हीं भी हालातों से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अपने घर तक ज़रूर पहुँचने चाहिए। और जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।